डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर, इसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर। अब एक और टॉपिक आ रहा है, दैट्स कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? ये भी दरअसल ग्रीक वर्ड से लिया गया है। द फर्स्ट वर्ड इज लिथोस। लिथोस मीन्स रॉकी और रॉक्स, रॉकी मटेरियल, एंड स्फायरा मीन्स स्फीयर और एनवेलप। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दिस लिथोस्फीयर इज, इट इज रिजिड, इट इज आउटर मोस्ट शेल ऑफ आवर प्लेनेट दैट इज अर्थ, आवर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट ऑन विच वी लिव, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल, दैट इज ऑब्वियस। We are living on the upper surface of this crust, so it includes the crust and upper surface of mantle. That means if we see here the figure of this earth, here this is crust, this is mantle, and this is core. This crust composed the portion of this lithosphere. This crust composed, all this crust are included in this lithosphere. And upper portions of mantle, that means this portion. Okay. And it is, this lithosphere is, it is irregular surface. It is irregular. That means there is no regularity in the domain of this lithosphere, in the surface of this lithosphere. Irregular surface with various landforms. ये irregular surface है. मुख्तलिफ लैंड फॉर्म इसमें पाए जाते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म इसमें, लैंड पैटर्न्स हैं इसमें। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, हिल्स हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ दिस लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर के मुख्तलिफ रूप हैं, इन हालतों में हम इसको देख पाते हैं। जैसे हम यहाँ रहते हैं, हमारे आजू बाजू में भी क्या है, माउंटेन्स हैं और हिल्स हैं, चोटियां हैं, पहाड़ हैं, या समंदर हैं, या कहीं पर डेजर्ट्स हैं, सिमिलरली कहीं पर प्लेन्स हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स किसके हैं? दरअसल ये लिथोस्फीयर के हैं, ये सब इसी में आता है, ठीक है ना। और क्या है ये? ये वो हिस्सा है जो सख्त है, रिजिड है, हार्ड है, और आउटर मोस्ट शेल है इस धरती का, इस दुनिया का, और इस प्लेनेट, अर्थ प्लेनेट का, ठीक है। और कंपोजिट करता है, यानी बना हुआ है ये दरअसल इस क्रस्ट और अपर पोर्शन ऑफ दिस मेंटल। सो इसमें आता है माउंटेनस, वादियाँ ये आती है, पहाड़ आते हैं, इसी तरह आते हैं प्लेट्यूज, चोटियाँ होती हैं, प्लेन्स होते हैं, प्लेन एरियाज होते हैं, इसी तरह वैलीज, हिल्स एंड डेजर्ट्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, ये लैंड हमें फराहम करता है या हमें जरूरत आता है, ठीक है। फॉरेस्ट, इट प्रोवाइड्स अस ग्रास लैंड, इट प्रोवाइड्स अस लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इट प्रोवाइड्स अस लैंड फॉर सेटलमेंट, यानी ये फराहम करता है हमें यहाँ बसने की जगह, बसने की जगह फराहम करता है। हमें ही नहीं बल्कि तमाम इस कायनात के जो भी एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, इसमें बसते हैं, ठीक है। इसी तरह फॉरेस्ट्स प्रोवाइड करता है, वहाँ से मुख्तलिफ किस्म के ज़रियात निकलते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ निकलते हैं वहाँ पर, जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है। इसी तरह ग्रासलैंड्स हैं, चरागाह है यहाँ पर है, या बाकी जो हमारे मवेशी हैं, ये यहाँ से अपना ये गज़ा हासिल करते हैं। ये दरअसल इसी लैंड, इसी ज़मीन की ही बदौलत से है, ठीक है। इसी तरह हम भी अपना एग्रीकल्चर क्रॉप जो मैनेज करते हैं, जो बना लेते हैं, जो हम उगा लेते हैं, वो भी इसी लिथोस्फीयर, यानी इसी लैंड से ही हम हासिल करते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट आता है सॉयल, सॉयल जो कि ह्यूमस पार्ट ऑफ इस अर्थ आता है, जो अपर मोस्ट पार्ट इस अर्थ का आता है, ऊपर वाला सरफेस जो आता है, दैट इज सॉयल। सॉयल इज अ सेपरेट टॉपिक, वो एक अलग सा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। अलबत्त यहाँ पर कहना ज़रूरी है कि ये सॉयल जो है, ये ह्यूमस पोर्शन ऑफ दिस अर्थ होता है, ऑफ दिस क्रस्ट होता है। लिहाजा ये प्रोवाइड करता है हमें क्या, ये क्रॉप शॉप जो हम उगा लेते हैं, तो ये सॉइल से ही हम उगा लेते हैं, क्योंकि ये पोर्शन जो अपर पोर्शन है, इसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है,
फर्टाइल होता है. सो इट प्रोवाइड्स अस लैंड फॉर दिस एग्रीकल्चर और फॉर क्रॉप्स. एंड सिमिलरली फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, हम यहाँ पर बसते हैं, हम यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजर करते हैं, हम यहाँ पर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, चाहे हाउस होम बना लेंगे या डिफरेंट बिल्डिंग्स बना लेते हैं या डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बाकी बाकी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, ये सब इसी लिथोस्फीयर में हो जाते हैं, ठीक है, ये सब इसी में काम आता है. तो बहुत ज़रूरी एक पोर्शन है हमारे इस दुनिया में, नेचर की तरफ से कुदरत ने ये भेजा है. तो तकरीबन कितनी परसेंट है इसमें, कितना है ये, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बोला था कि अगर इस दुनिया के हम 100 हिस्से करते हैं तो इसमें 70% आता है वाटर का है. तो अगर इस ज़मीन के हम 100 हिस्से करते हैं तो इसमें आते हैं 70% वाटर का आता है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, 70% वाटर. और बाकी जो रहता है 29 और 30%, वो आता है इस लिथोस्फीयर यानी लैंड लैंड एरिया, ठीक है, यानी जमीन का हिस्सा आता है तकरीबन 30%, ठीक है. इन्हीं 30% में तमाम जो दुनिया है बसी हुई है, जो सेटलमेंट्स यहाँ पर है, जो यहाँ पर लोग बसते हैं, या बाकी जो उनकी ज़रूरियात यहाँ पर मुहैया है, और बाकी कंस्ट्रक्शन वो इन्हीं 30% में होते रहते हैं. भाई सारे 30% इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि इसका थोड़ा सा हिस्सा इन्वॉल्व है, बाकी जो है, बाकी कुछ डेजर्ट है, वो खाली बंजर ज़मीन है, वीरान ज़मीन भी बहुत है, डेजर्ट एरियाज है, ठीक है ना. इसी तरह माउंटेनस बहुत ज़्यादा है, हिल्स हैं, पहाड़ी सेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आ जाते हैं, ठीक है. अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो इट इज़ मोस्टली सराउंडेड बाय दिस माउंटेनस एंड हिल्स. यहाँ पर तकरीबन हर जो वैली है जहाँ पर लोग बसते हैं, उनके आसपास ही चोटियाँ होती है, कोहसार पाए जाते हैं. ये कश्मीर में सबसे ये अच्छे खासे हिल्स और माउंटेनस पाए जाते हैं, ठीक है. और इसी तरह हम एक और पॉइंट इसमें है, इट इज़ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. जो लिथोस्फीयर है इसमें हम क्या निकालते हैं, मिनरल्स, मिनरल वेल्थ का ये एक खजाना है कुदरत की तरफ से. मिनरल्स वो चीज़ होते हैं जो हम ज़मीन से हासिल कर लेते हैं. जैसे ज़मीन से हम क्या क्या हासिल कर लेते हैं, क्या क्या निकालते हैं, एक तो निकालते हैं कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, अलमोनियम है, ठीक है, दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस लिथोस्फीयर और क्रस्ट ऑफ दिस अर्थ, ठीक है ना, ये वहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, कर लेते हैं, ठीक है, ज़मीन से. सो इट इज़ कॉल्ड एज द मिनरल वेल्थ. लिथोस्फीयर को मिनरल वेल्थ भी बोलते हैं, ठीक है ना, एक खजाना है, कुदरती खजाना है ये, कुदरत ने बख्शा है ये दुनिया को चलाने के लिए. उसको पता था कि मुझे यहाँ पर बनी नवा इंसान को पैदा करना है, लिहाजा ज़रूरत है उसको इन चीज़ों की, और वो चीज़ उसने पहले ही से यहाँ पर पैदा करके रखी थी, ठीक है ना, ताकि ये बंदा मुझसे कभी नाराज़ ना हो, मुझसे कभी शिकायत ना करे, और इसलिए मैंने उसकी तमाम जो है ज़रूरियात वो पहले ही से बनाई रखी है, मुकर्रर करके रखी है. तो ज़्यादातर जो इसमें आता है ना, किस में, इस लिथोस्फीयर में सिलिकॉन, सिलिका आता है, और इसी तरह अल्मोनियम आता है, ठीक है ना, जो ज़्यादातर हम देखते हैं सिलिकॉन एंड अल्मोनियम, इसको हम सयाल भी बोलते हैं, साई मीनस सिलिकॉन एंड ए एल आल मीनस अल्मोनियम, ठीक है. इसी तरह सिलिका एंड मैग्नीशियम भी निकलता है, ये मगर निकलता है अंडर ओशनस, यानी अगर हम वाटर बॉडीज जहाँ पर ओशनस है, समंदर है, अगर उनके नीचे से हम ये ज़मीन को खोदेंगे, मिनरल एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ उस बेड से हमें क्या निकलेगा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम वहाँ पर ज़्यादा निकलेंगे. और इस तरह आम हालतों में ज़्यादातर क्या निकलता है, सिलिकॉन एंड अल्मोनियम, ठीक है ना. चूँकि हम कंस्ट्रक्शन में भी रेत का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आप देखते होंगे वो चमकीले जरे जरे दिखते हैं उस रेत में, वो दरअसल होते हैं सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है. तो इसके अलावा अदर मिनरल में आता है, जैसे मैंने अभी बोला है कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है ना, आयरन है, अल्मोनियम है, या ये हमारा तेल जो है, कोल है, पेट्रोल है, ठीक है, फ्यूल्स इसमें आती हैं, ये हम लिथोस्फीयर से हासिल कर सकते हैं. एक और बात यहाँ पर मैंने छेड़ी थी,
ये जो सॉइल का कंसेप्ट एक आया था कि सॉइल पोर्शन इसमें आता है, दैट इज ह्यूमस पोर्शन, ये फर्टाइल पोर्शन होता है जिसमें हमारी प्रोडक्शन उग सकती है, हमारा क्रॉप जो है वो उग सकता है, ठीक है। वो चूंकि अपर पोर्शन ऑफ दिस क्रस्ट में आता है, वही इसमें चूंकि फर्टाइल माना जाता है, ठीक है। तो जमीन के अगर तीन पोर्शन हम कर लेते हैं, फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर। क्रस्ट जो है वो तकरीबन फैला हुआ है, यानी यहाँ से हमें नीचे जाना है, नीचे की ओर वो हमें 35 किलोमीटर तक जाना है, वो इसमें वो पोर्शन आता है क्रस्ट का, ठीक है ना, जिसमें ये मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इसे नीचे अगर जाएंगे हम 2900 किलोमीटर के इसमें मेंटल पोर्शन आता है, और इसके नीचे जो आता है वो कोर होता है, ठीक है ना। कोर सबसे हॉट इसमें होता है, हॉटनेस यहाँ पर, या इवन कि मेंटल में भी इसमें लावा पाया जाता है, कोर में भी वो पाया जाता है, मोल्टन आयरन इसमें पाया जाता है, ठीक है ना, वो मोल्टन हालत में मौजूद होता है, ठीक है।